सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कोविड-19 के दौरान उपजी परिस्थितियों में संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, सह आचार्य हिंदी सेठ नंद किशोर पटवारी, राजकीय महाविद्यालय निमका थाना, स्वागत करता हूं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में सम्मिलित कवि कबीर के पदों पर चर्चा कर रहे हैं। पाठ्यक्रम की दृष्टि से आज हम जिस पद पर चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारा पद क्रम संख्या 20 है। और विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि कबीर निर्गुण भक्ति मार्गी हैं और एक क्रांतिकारी संत हैं, जिन्होंने पाखंड का जिन्होंने तात्कालीन समय में जो विविध पाखंड थे उनका बहुत अधिक विरोध किया है। और उन्होंने साधना के क्षेत्र में भी एक नया मार्ग प्रशस्त किया है, जो साधना का है, जो प्रेम का है, और जिस का अनुसरण करके कबीर की ऐसी मान्यता है कि मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, उसके जो सांसारिक कष्ट हैं वे समाप्त हो सकते हैं। तो कबीर का जो प्रस्तुत पद है पहले हम उसका अध्ययन करते हैं और उसके पश्चात उसकी व्याख्या समझेंगे। गगन घटा गहरानी साधो, गगन घटा गहरानी, पूरब दिस से उठी है बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, आपन आपन मेड़ संभारो, बह्यो जात यह पानी, सुरत निरत का बैल नहायन, करें खेत निर्वाणी, धान काट मार घर आवे, सोई कुशल किसानी, दोनों थार बराबर, दोनों थार बराबर परसें, जेवे मुनि और ज्ञानी। गगन घटा गहरानी साधो, गगन घटा गहरानी। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित कबीर वाणी नामक संकलन से लिया गया है। और इस पद में कवि कबीर ने सांसारिक परिवेश के साथ में ही जो साधना की का क्षेत्र है या समाधि की जो अवस्था है उसका चित्रण किया है। गगन घटा गहरानी साधो, गगन घटा गहरानी। कबीर कहते हैं, रे साधो, रे सजनो, आकाश में जो बादल हैं वो छा गए हैं, आकाश बादलों के कारण से घटा टोप हो गया है, बहुत गहरी बारिश होने वाली है। जिस प्रकार से आकाश में बहुत गहरे बादल, घने और काले बादल छा जाते हैं, तो कबीर ने अगर सांसारिक दृष्टि से देखें, अगर सांसारिक परिवेश की दृष्टि से इस पद को हम समझें, तो वे सचेत करते हुए कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि जब पूर्व दिशा से कोई बदली उठती है तो बारिश की संभावनाएं अधिक बनती हैं। तो यहां भी कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार किसान बादलों को देख करके और अपने व्यवस्थाएं करने लगता है, अपने खेत की मेड़ आदि ठीक करने लगता है, तो यहां पर कहते हैं कबीर, गगन घटा गहरानी साधो, गगन घटा गहरानी, पूर्व दिशा से उठी है बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, पूर्व दिशा से बदली उठी है और जो रिमझिम जो बरसात का पानी है, रिमझिम रिमझिम बरस रहा है, आपन आपन मेड़ संभालो, अपनी अपनी मेड़ को संभालिए, बह्यो जात यह पानी, जो पानी है वो बहा जा रहा है। बारिश के दिनों में हम देखते हैं किसान अपने खेत में की मेड़ संभालता है और उसके जो सीमाएँ हैं उनको ठीक करता है, अगर कोई सीमा उसकी टूटी हुई है तो वहाँ पर और मिट्टी लगाता है जिससे जो पानी है वह उस खेत में भर जाए और उसका
उसकी जो फसल है वो बहुत अच्छी हो। फिर कहते हैं सुरत निरत का बैल नहायन, और खेत की सुरत निरत करो, उसके पौधे लगाओ और उनकी अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करो, करें खेत निर्वाणी और खेत का अच्छी तरह से निर्वाणी करें, निराई गुड़ाई करें। हमने देखा है कि किसान और आप और हम सब इसी परिवेश के हैं, तो जब बारिश होती है तो हम हमारे खेत को ठीक करते हैं और उसकी निराई गुड़ाई करते हैं जब फसल लग जाती है तो। और वही व्यक्ति सफल होता है, वही किसान सफल होता है जो धान काट मार घर लावे सोई कुशल किसानी। कबीर कहते हैं वही कुशल किसान है जो धान को काट करके अनाज को काट करके घर ले आता है, क्योंकि खेती एक जुआ है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत का काम है। दोनों थार बराबर परस हैं जेवे मुनि और ज्ञानी, और फिर उनके उसके द्वारा उत्पादित जो अन्न है उसको ये कबीर कामना करते हैं कि वह बराबर से बढ़ता रहे, बराबर से उसका वितरण होता रहे। और ज्ञानी और मुनि जो हैं वो सभी उस अन्न से अपनी सुधा पूर्ति करें, ऐसी कबीर उम्मीद करते हैं। विद्यार्थियों, यह इसका अर्थ जो है सांसारिक परिवेश के अनुसार है। अगर समाधि पक्ष में हम इसका अर्थ देखें तो कबीर कहते हैं गगन घटा गहरानी इस हृदय आकाश में, जो मेघ घटा है हृदय आकाश में, जो ईश्वर के प्रति जो समर्पण की भावना है और उसके कारण से जो ईश्वर जो उस पर मेहरबान हो रहा है उस आत्मा पे, गगन घटा गहरानी उसके कारण से बहुत ही आनंद की वर्षा होने वाली है। गगन घटा गहरानी साधो गगन घटा गहरानी, इस हृदय आकाश में जो बादलों की जो घटा है वो बहुत गहराई हुई है, बहुत अच्छे से छाई हुई है। पूर्व दिशा से उठी है बदरिया, वो कहते हैं कि ये जो बदली है, ये जो मेघ की जो वृष्टि है, ये जो आनंद की जो वर्षा होने वाली है, ये पूर्व दिशा से रिमझिम बरसत पानी, और ये जो आनंद की जो बारिश हो रही है वो रिमझिम बरसात हो रही है, आनंद की वर्षा हो रही है। समाधि दशा में अपन अपने मेड़ समारोह बहो जात है पानी, कबीर साधुओं को सचेत करते हुए कहते हैं कि रे साधको तुम अपने अपनी मेड़ को संभालो, अपने अपने जो इंद्रियां हैं जिनमें काम वासना है उनको तुम संभालो और इन इंद्रियों को वश में रखो, नियंत्रण में रखो, ताकि ये बाह्य जगत की ओर आकृष्ट नहीं हो और उस परम पिता परमेश्वर का ये जो प्रेम है, ये जो आनंद है जिसकी बारिश हो रही है, उस बारिश में वे सराबोर हो जाएं। तुम्हारा जो संपूर्ण है आप संपूर्ण रूप से उसी परमपिता परमेश्वर के उस आनंद में नहा जाएं, बहुत अच्छे से उसमें समा जाएं। तो कबीर कहते हैं कि अरे साधको तुम अपने अपनी मेड़ संभालो, अपने अपने जो इंद्रियां हैं उनको वश में रखो, बहो जात है पानी, ये जो पानी है वो बहा जा रहा है। सुरत निरत का बैल नहायन, फिर कबीर कहते हैं कि आप इसकी जो सृष्टि है उसके प्रति, बाह्य जगत के प्रति अपनी इंद्रियों को नहीं जाने दो, सुरत निरत का बैल नहायन, और तुम्हारी जो सुरती है अंतर्मुखी जो प्रवृत्ति है और जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति है उससे चैतन्य जीव को तुम संभाले रखो, करें खेत निर्वाणी, और फिर तुम ध्यान धारणा के कारण से निर्वाणी करते रहो। अर्थात जिस प्रकार से किसान अपने खेत की निराई गुड़ाई करता है उसी प्रकार से आप जो अपने जो बाह्य जो बहिर्मुखी जो वृत्ति है उसको अपने अंतरतम में लगाओ, उसको तुम अपने जो अपना अंतरतम है उसकी तरफ उसका मुख मोड़ दो। अर्थात तुम्हारी जो बहिर्मुखी जो वृत्ति है उस बहिर्मुखी वृत्ति को तुम अपने अंतरतम में ले आओ, और उसके बाद में तुम ध्यान और धारणा से निर्माणी करते रहो। यानी साधक ध्यान, जिस प्रकार से किसान अपने खेत की निराई गुड़ाई करता है उसी प्रकार से जो साधक है वह भी ध्यान और धारणा से उसकी निराई गुड़ाई करता रहता है, अर्थात ध्यान और धारणा से अपनी जो भक्ति है उसको और परिपक्व करता रहता है। तो कबीर भी इसी बात को कहते हैं कि तुम ध्यान और धारणा से इस अपने जो भक्ति है उसको और तुम परिपक्व करते रहो,
और अच्छी तरह से तुम उसमें निमग्न हो जाओ। फिर कहते हैं, धान काट मार घर लावे सोई कुशल किसानी, वही सच्चा साधक है जो इस पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है। इस पुरुषार्थ रूपी धान को जो प्राप्त कर लेता है, जो ऐसा करने में जो सक्षम होता है, वही सफल या श्रेष्ठ साधक है। फिर कबीर कहते हैं, दोनों थारा बराबर परसें उस दिशा में सुरती और नृति रूपी जो दोनों थाल हैं, उन दोनों थालों में उस परम पुरुषार्थ रूपी अन्न को परोसो। हे साधक, तुम सुरत और निरत रूपी जो दोनों थाल हैं, उन दोनों थालों में जो तुमने जो पुरुषार्थ रूपी अन्न जो प्राप्त किया है उस भक्ति से, उसको तुम बराबर बिना किसी भेदभाव के परोसो, जिसे मुनिजन और ज्ञानीजन भी आस्वाद करें, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं करो। और जो तुमने यह धन प्राप्त किया है, यह जो धान प्राप्त किया है, धान या धान कौन सा, पुरुषार्थ रूपी अन्न जो तुमने प्राप्त किया है, उसको तुम बराबर परसो, और जिससे सभी लोगों को, ज्ञानी को, मुनियों को, सभी को जो उस अन्न का जो आस्वाद है वह मिले। तो इस प्रकार से कबीर के इस पद की व्याख्या है। अगर विशेष के रूप में हम देखें तो इस पद में कबीर ने समाधि की विभिन्न दशाओं का चित्रण किया है, और यहाँ पर कबीर योग साधना से प्राप्त परमानंद, परम आनंद की भी सुंदर विवेचना करते हैं। कबीर का मानना है कि योग साधना से परम आनंद की प्राप्ति होती है। अगर हम अलंकार की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर रूपक समासोक्ति के साथ ही अन्योक्ति अलंकार का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। प्रस्तुत पद में कबीर की रहस्यवादी और प्रतीकात्मक दृष्टि के भी दर्शन हमें होते हैं। कबीर के रहस्यवाद को लेकर परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आया करते हैं, तो प्रस्तुत जो पद है वह भी कबीर की रहस्यवादी दृष्टि को उजागर करता है। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका आभार। थैंक यू, और मिलते हैं एक नए पद के साथ।